no more Rahul, no more Riyas. 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 Dehshat Gardi, band karo, band karo. Dehshat Gardi, band karo, band karo. Dehshat Gardi, band karo, band karo. Jai Bharatiya Janata Party, Zindabad. Jai Bharatiya Janata Party, no more. बंद करो हम शर्मिंदा है राहुल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है दहशत गर्दी बंद करो बंद करो दहशत गर्दी बंद करो बंद करो खून बहाना बंद करो बंद करो खून बहाना बंद करो बंद करो राहुल तेरे खून से इंकलाब आएगा राहुल तेरे खून से इंकलाब आएगा रियाज तेरे खून से इंकलाब कश्मीर को खून से जीता हो कश्मीर हमारा है जो कश्मीर हमारा है सारा का सारा है जो कश्मीर हमारा है सारा का सारा है जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है जो कश्मीर हमारा है सारा का सारा है बेगुनाहों का खून बहाना बंद करो बंद करो बेगुनाहों का खून बहाना बंद करो बंद करो राहुल तेरे खून से इंकलाब आएगा तेरे खून से इंकलाब आएगा राहुल तेरे खून से इंकलाब आएगा तेरे खून से इंकलाब आएगा बंद करो दहशत गर्दी बंद करो बंद करो बंद करो दहशत
दहशतगर्दी बंद करो। नहीं 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 बेगुनाहों का खून बहाना बंद करो बंद करो। बेगुनाहों का खून बहाना बंद करो बंद करो। बेगुनाहों का खून बहाना बंद करो बंद करो। राहुल चारे खून से इंकलाब आएगा। राहुल चारे खून से इंकलाब आएगा। देखिए पाकिस्तान इंकलाब आएगा। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से टूरिज्म जिस तरह से कश्मीर में शांति हुई है उससे कातिल जिंदा है। चाहे राहुल हो चाहे तेरे कातिल जिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। दहशतगर्दी मुर्दाबाद कश्मीर में नहीं रहेगी। दहशतगर्दी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी खबर से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब ये कश्मीरी पंडित आपके खिलाफ देखिए हम पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम दहशतगर्दों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित का जो कल अगर कुछ लोगों ने भी हमारे खिलाफ कहा है जायज है क्योंकि नाराजगी थी उनके जज्बात बजरू हुए थे। एक नौजवान साथी का कत्ल हुआ था कश्मीरी पंडित अमन पसंद कौम है उन्होंने कभी वायलेंस को साथ नहीं दिया। कल अगर वो प्रोटेस्ट पे निकले हैं उन पे भी लाठीचार्ज हुआ है तो बड़ी शेमफुल बात है। हमारा यही कहना है कि कश्मीर अब और राहुल और रियाज नहीं मरना चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान दहशतगर्दों को फ्रस्ट्रेशन आई है। जब से कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है जब से कश्मीर में हालात ठीक हुए जब से कश्मीर में हड़ताली सियासत बंद हुई है अब सॉफ्ट टारगेट टूटते हुए अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कभी राहुल को कभी रियाज को कभी और इनसेंट को कत्ल करे। हम यही डिमांड कर रहे हैं यूएस से कि पाकिस्तान पर प्रेशर डाल के कश्मीर में दहशतगर्दी बंद करवा दी जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सबसे मेन रीजन है कि हम पाकिस्तान को कहना चाहते कि आप जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी बंद करो आप कश्मीर में दहशतगर्द बेटा बंद करो कभी राहुल की सूरत में कभी रियाज की सूरत में कश्मीर के बेटों को कत्ल किया जा रहा है। बेसिकली पाकिस्तान और दहशतगर्दों को तब से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है जब से जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तादाद में इस बार टूरिस्ट यहाँ आए और ये अमन का माहौल उनको रास नहीं आ रहा। दूसरा जो पीएम पैकेज के तहत आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी पंडित जो इस सोसाइटी का अहम रुकन है अहम जूज है इस सोसाइटी का उन्होंने कश्मीर आना छोड़ दिया था कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को धक्का लगाने के लिए और कश्मीरी पंडितों को खौफ में मुतला कर कश्मीर छोड़ने पर मजबूर करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ आज हम ये प्रोटेस्ट करें। हाँ जी तो आप देख रहे हैं जी गुलिस्तान लाइव फीड और इस वक्त हम बिल्कुल आपको जवाहरनगर श्रीनगर से दिखा रहे हैं जहाँ पे बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले जिस तरह से कश्मीरी पंडित को चारोरा के तहसील ऑफिस में मारा गया तो उसके बाद एहतजाजों का सिलसिला जो है पूरे कश्मीर में जारी है तो लगातार 3 दिनों से जारी है और आज श्रीनगर में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो है यहाँ पे एक प्रदर्शन किया। आपको याद दिला दें कि बीजेपी का ऑफिस भी जवाहरनगर में हो आज सुबह ही ये निकले थे वहाँ से तो आज इस वक्त भी प्रोटेस्ट इनकी
तरफ चल रहा है और ये लगातार दहशतगर्दी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इनका ये भी मुतालबा है कि जो भी इन इंसिडेंट्स पे मुलव्वस है, जिन्होंने भी उन बेगुनाहों का कत्ल किया है, चाहे वो रियाज एसपी हो पुलवामा का या राहुल भट्ट हो जो कश्मीरी पंडित मारा गया, उनके खिलाफ इनका लगातार एहतजाज है। और इनका कहना है कि ये आगे नहीं होना चाहिए। और इनका ये भी कहना है कि ये सारा जो है पाकिस्तान कर रहा है यहाँ पे, और पाकिस्तान के जो कार्यकर्ता यहाँ पे है जिन्होंने आज तक यहाँ पे कत्लेआम किया है और भी अभी भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो इस वक्त आप देख रहे हैं बूस्ट टूरिज्म में देख रहे हैं और जिस तरह से हालात ठीक हो रहे हैं कश्मीर में, तो ये पाकिस्तान की बौखलाहट है और पाकिस्तान के जो यहाँ के यहाँ पे सियासत में उनका जो हाथ रहता है उनकी बौखलाहट है। यही वजह है कि यहाँ पे अभी भी एक खून खराबा हो रहा है। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम अपनी पुरजोर अपील करते हैं गवर्नमेंट को कि इन चीज पे कदगनी लगाई जाए ताकि ये आगे जाके मजीद इस तरह के इंसिडेंट रोनुमा न हो। और आपको एक बार फिर से बता दें ये प्रोटेस्ट जो है आज भी एक बार फिर से राहुल भट्ट जिनको तहसील ऑफिस चाडोरा में मारा गया था, तो उसके खिलाफ उन कातलों के खिलाफ ये प्रोटेस्ट आज जारी है। और ये लगातार 3 दिनों से पूरे कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है और आज एक बार फिर से बीजेपी के लीडर जो है उन्होंने ये प्रदर्शन किया है। एकजुट होने की जरूरत है टेररिज्म के खिलाफ। और आज बोल कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने आज के प्रोटेस्ट के बारे में बताइए। देखिए शहीद राहुल, शहीद रियाज, जिस तरह से दहशतगर्दों ने उनका कत्ल किया है, आज हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम दहशतगर्दों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम यूएनओ से मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर प्रेशर डाला, हम मोदी जी से मांग कर रहे हैं, जिस तरह दो बार उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके दहशतगर्दों को सबक सिखाया था, तीसरी बार करने की जरूरत है ताकि कश्मीर में और राहुल और रियाज शहीद ना हो। और जिस तरह से यहाँ कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है, जिस तरह कश्मीर में अमन फैल रहा है, पाकिस्तान और उनके दहशतगर्दों को उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बंद करो, बंद करो, गुनाहों का खून बहाना, बंद करो, बंद करो। राहुल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बंद करो, बंद करो। Thank you.